लास्ट सीजन सर सेम एक अच्छे स्ट्रेटजी माइंडसेट के साथ आए थे, आपने कहा था प्लेऑफ्स जाओगे, गए, आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी की है टीम के साथ में, ये सीजन की टीम से कितने खुश हो आप? मैं बहुत ही हैप्पी हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम 25 प्लेयर लिए मैंने। हाँ, पहले अपने प्लेयरों में ही मैंने कंपटीशन बना दिया, ये नहीं है ये खेलेगा ये नहीं, जो जो कैंप में ट्रेनिंग में अच्छा करेगा वो खेलेगा। पहले मैंने 18 लेकर, अब की बात 25 लिया क्योंकि अपनी टीम में एक दूसरे का कंपटीशन बना। भरत हुड्डा अच्छा करोगे खेलोगे, नहीं तो अभिषेक भी बाहर है, नीरज नरवाल अच्छा करोगे खेलोगे, नहीं तो सचिन नरवाल भी बाहर है, विकास कंडोला अच्छा करोगे खेलोगे, नहीं तो सुशील भी बाहर है। तो मैंने सबके, अमन अच्छा करोगे नहीं तो रन सिंह ये खड़ा, सुरजीत तुम दीवार हो, एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट हो, अच्छा करोगे ठीक है, नहीं तो मैंने पार्थिवन खड़ा कर दिया। सर दो क्वेश्चन और है मेरे, पहला आपको बीच में पवन के लिए बिड करते हुए देखा था तो बहुत अच्छा लगा, अनफॉर्चुनेटली ठीक है एक प्राइस टैग होता है, एक अमाउंट होता है, उस हिसाब से नहीं, बट आपने बिड किया तो मैं भी पवन एक बार आता तो बेंगलुरु फैंस और ज़्यादा खुश हो जाते, बट पवन तेलुगु में गए हैं एंड हम सबको पता आपके कितने क्लोज हैं, तो पवन के लिए आप क्या कहना चाहोगे? वो तेलुगु में भी शायद भगवान ने वो दिमाग हमारे को दिया है क्योंकि मैं नहीं ले सकता था। हाँ, मैं 180 तक ले सकता था, 180 तक मैं बोल, फिर उनसे ज़्यादा उन्होंने 209 मैं ले ही नहीं सकता, उन्होंने बोल दिया अच्छा करे वहाँ जाए और अच्छा खेले और अपना अपने फैंस को खुश करे अपने प्रदर्शन से, हमारा बच्चा है हमारा बच्चा ही रहेगा, पर वो मैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ कहीं जाओ, लेकिन एशियाड से पहले आया था, हमारा बच्चा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मैं ले नहीं सका क्योंकि मैं एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसी कारण ले नहीं सका मैं, लेकिन नहीं वो हमारे साथ दिल में। और सर यूरोपियन कबड्डी चैंपियंस पोलैंड टीम, उसका एक प्लेयर पीटर पोमोलैक बहुत ही प्यारे रेडर है, उनको आज से नहीं मैं भी कई साल से देख रहा हूँ एंड बहुत अच्छा लगा आपने उनको चूज़ किया, ये शायद बहुत कम लोगों को पता है लेकिन सीजन 2 में भी बेंगलुरु बुल्स ने एक यूरोपियन प्लेयर लिया था माइकल स्पिस्को, वो सबसे पहले यूरोपियन प्लेयर थे, बेंगलुरु बुल्स ने सबसे पहले यूरोपियन प्लेयर अपने पास लिया था एंड ये सेकेंड टाइम हो रहा है सेम टीम से आ रहा है एंड ही इज ऑल्सो बीन लेट्स उनकी ही गाइडेंस से, तो उनको लेने के पीछे की क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? नहीं मैं ये सोचता हूँ जो कबड्डी जो भारत का गेम है वो और ज़्यादा फैले, पोलैंड में अगर हम लेंगे तो पोलैंड में फेमसिटी बढ़ेगी। हाँ, तो मेरा मेन यही रहता है, मैं कहीं ना कहीं से ऐसे लेता हूँ जो किसी को कुछ नहीं मालूम अक्सर क्या करेंगे और वो फिर क्या कर देते हैं। जैसे जैसे लास्ट में जब मैंने ली उतारा कोई नहीं उतारा, हाँ वो जो लास्ट था वो तो था ना, पवन खुद बोला मेरे से लेकिन ये कोच साहब का डिसीजन था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रिपीट पे देखा था सर, मैं भी वही पॉइंट बोला था, लास्ट में आपने ली को उतारा था एंड उसने वो मल्टीपल डबल पॉइंट पीरियड मारी थी आई गेस एंड फिर लीड मिल गई थी और हमने वो मैच जीता था, मैं एग्जैक्ट वही पॉइंट बोलने वाला था। सो सर आप बस ऐसे ही सारे प्लेयर्स को एक बार अपने गाइडेंस के अंदर खिलाइए क्योंकि आप सर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सिर्फ इंडियन कबड्डी के लिए नहीं बट वर्ल्ड कबड्डी के लिए एंड मैं सभी की तरफ से दिल से आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, शब्द कम पड़ जाएंगे आपको बोलने के लिए बट दिल से बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू सर। थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो देखने वाले हैं वो भी, ये मेरा बहुत ही लवली बच्चा है तो इनको सपोर्ट करो और लाइक करो।